ये टूटी छत, ये टूटा फूटा मकान शकुंतला देवी का है, जिनके इस टूटे फूटे घर को देखकर यही लगता है जैसे इनके दरवाजे तक आते आते सभी सरकारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं। दरअसल यमुनानगर तेजली खेल परिसर के गधौली कॉलोनी में पिछले कई सालों से अपनी टूटी हुई छत के नीचे परिवार से दूर रहने पर मजबूर हैं शकुंतला देवी। बरसात होने पर घर का आलम कैसा होता है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। चाहे आसमान से बरसने वाला पानी हो या फिर सूरज की भयंकर गर्मी और सर्दी, शकुंतला देवी एक कोने में सारी रात जाकर काटती है, लेकिन उनकी सुनवाई और सहायता करने के लिए अब तक कोई आगे नहीं आया। छत गिरी हुई है, सारी बुद्धि हो रही और मेरा कोई साधन नहीं है बनाने का, मेरे पे कोई सहारा नहीं है। दो बच्चे हैं मेरे, दोनों बच्चों का, एक पर मेरे काम नहीं होता, एक बच्चा मेरा सब बच्चों को रोटी खिला रहा है, दिहाड़ी करता है, वो भी कोई काम कारिया नहीं है, मजदूरी जा कभी कहीं कभी कहीं, दो चार घरों का काम करो, अपने दो रोटी बनाओ और खाओ, ना किसी का लेना ना देना, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसी रहती हूँ जी, यही ये जो मंजा बेड बैठे हूँ, अब जैसे बनाना खाना मेरा ये है, देख लो यही सब कुछ है। तो सर मैंने सारी जगह फिर का घूम का मैंने फैला बनवा कर कच्ची छतों के सारे मैं दे दिया, कोई भी मेरे को पता नहीं दे रहा कि आई या ना आई, कुछ मिलेगा या ना मिलेगा, पर कोई भी जवाब सवाल नहीं दे रहा। आपको बता दें कि शकुंतला देवी के पति की मौत 15 साल पहले हो गई थी। उनके दो बेटे हैं, एक लड़की का सड़क दुर्घटना में शरीर इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि वो काम करने में असमर्थ है, वहीं दूसरा लड़का इतना कमजोर है कि वो पूरे परिवार का बोझ नहीं उठा सकता। ऐसे में शकुंतला देवी अपने जीवन के निर्वाह के लिए खुद ही सभी कार्य करती है। आपको बता दें कि 10 साल पहले उनके घर की छत प्राकृतिक आपदा के कारण गिर गई थी, तब से अब तक वो अपने घर के छत की मरम्मत नहीं करवा पाई। कैसे करवा पाती, जिसके पास दो वक्त की रोटी के लाले पड़े हों वो भला छत की मरम्मत कैसे करवा पाती। शकुंतला देवी ने जिला प्रशासन से भी कई बार छत की मरम्मत के लिए अर्जी लगाई है, नगर निगम अधिकारियों के चक्कर भी लगाए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं, किसी ने कोई सुध नहीं ली। खासी दिन हो गए ना, 20-25 साल तो ही गए जी, कच्ची छत पहले भी सारी गिर गई जी, पहले भी कच्ची थी जी, अब भी कच्ची है जी, 25-30 साल हो गए जी, हमने कोई ना जो आते तो हम आपके पास पूछ सकते हैं। आपके सामने यहाँ देखो जी, एक तरफ जहाँ देश के करोड़ों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रहने को घर मिल रहा है, तो वही शकुंतला देवी टूटी छत के नीचे रात बिताने को मजबूर है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि शकुंतला देवी के घर पर भी शासन प्रशासन की नजर पड़ेगी और इनके दिन भी अच्छे होंगे। सूर्य समाचार के लिए यमुनानगर से सुनील कुमार की रिपोर्ट।